अभी जॉर्डन के अम्मान शहर में वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है रेसलिंग की, अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया। बीते दिन भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कल हमारी 4 महिला पहलवान फाइनल में पहुंची थी, जिसमें से अदिति कुमारी ने 43 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता, नेहा सांगवान ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, इसके अलावा पुलकित ने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं मानसी लाठर ने 73 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अब आपको बता दें कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है रेसलिंग की, जो कि अंडर 17 कैटेगरी में है, और यहाँ पर फ्री स्टाइल में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से भारत ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया, और बीते दिन ही 4 गोल्ड मेडल भारत को मिले, और यहाँ पर काफ़ी कमाल का प्रदर्शन पहलवानों के द्वारा देखने को मिला। चारों पहलवानों ने कल गोल्ड मेडल जीता है और जिसको लेकर इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। इसके अलावा भारत को अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कैटेगरी में भी 2 मेडल मिल चुके हैं। ग्रीको रोमन के 110 किलो वेट में रौनक दहिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में रौनक ने तुर्की के एक पहलवान को 6-1 से हराया, तो वहीं साईनाथ पार्थी ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारत को अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में खिताब दिलाया है। इनके नाम भी एक और ब्रॉन्ज मेडल रहा है जिन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और उन्होंने अपने मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल मैच में कजाकिस्तान के पहलवान को 3-1 से हराया था, और जिसकी मदद से अभी फ़िलहाल आपको अपडेट जो दे दें उसमें यही है कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को 4 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। ये गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल रेसलिंग में आए हुए हैं, और इसके अलावा 2 मेडल ग्रीको रोमन कैटेगरी में मिल चुके हैं। ग्रीको रोमन में 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं, तो वहीं फ्री स्टाइल में 4 गोल्ड मेडल भारत को अभी तक मिले हैं। और जो पिछले दिन हमने देखा कि किस तरीके से 4 पहलवानों को गोल्ड मेडल मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, और ये जो आगे अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से खेलेंगे और खेल दिखाएंगे, तो हो सकता है कि ओलंपिक्स में हमारे रेसलिंग में कुछ और नए नाम जुड़ जाएं, और हो सकता है इन्हीं में से कोई एक खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी ले आए। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।